हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी योगेश रहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजी और प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, होप आप सब लोग इस टाइम इंडिविजुअल्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बिजी होंगे। ऐसे में आपके सामने कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे होंगे जिन केसेस में उस इंडिविजुअल ने अपनी सैलरी के साथ साथ कुछ एफ एंड ओ में, इंट्राडे ट्रेडिंग में या डिलीवरी में डील किया है। मींस अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो कोई अगर ऐसा एम्प्लॉई है जिसने अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ सोचा है कि मैं कुछ एडिशनल गेन कमाने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कर लेता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में डील कर लेता हूँ या फिर शेयर मार्केट में डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शंस के बेस पे सेल परचेस कर लेता हूँ, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको कंफ्यूजन आ रही होगी कि सैलरी इनकम के साथ साथ एफ एंड ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे या डिलीवरी से कमाई गई इनकम को हम कैसे शो करें। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल की खाली सैलरी इनकम है, ओनली सैलरी इनकम है, सो ऐसे केसेस को हम आईटीआर 1 के अंदर शो कर देते हैं। लेकिन जब उस इंडिविजुअल ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे में ट्रेड किया है, ऐसे में हमारे सामने कन्फ्यूजन आती है कि हम उस अमाउंट्स को कहाँ पर दिखाएं। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी एक सैलरीड इंडिविजुअल्स एफ एंड ओ में या फिर शेयर की ट्रेडिंग में डील कर रहा है तो ऐसे केसेस में और अपनी कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन इंडिविजुअल्स अर्निंग सैलरी इनकम अलोंग विद शेयर ट्रेडिंग। सो अगर हम सबसे पहले इसकी लीगल गाइडेंस की बात करते हैं, सो लीगल गाइडेंस में अगर हम देखते हैं तो द इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफ इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग, या तो आप सेम डे परचेज करके शेयर्स को सेम डे सेल कर देते हैं, या तो आप करेंगे इंट्राडे में ट्रेडिंग या फिर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि T+1 T+2 में शेयर्स की सेटलमेंट होती है, तो आपने कोई शेयर आज परचेज किया और आप उसको एक महीने के बाद सेल करने वाले हैं, या तो सेकेंड नेचर की ऐसी ट्रांजेक्शन आप करेंगे शेयर मार्केट में, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करेंगे। तो तीन तरीके की ट्रांजेक्शन आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग या फिर एफ एंड ओ ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि इन तीनों ट्रांजैक्शंस को हम इनकम टैक्स के हिसाब से कौन से नेचर ऑफ इनकम में आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग को देखते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कोई भी शेयर्स की डिलीवरी नहीं होती है, क्योंकि आपको कोई भी शेयर्स की डिलीवरी नहीं होती है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट हमें बोलता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स कहलाएगी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। इट मींस जितने भी लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं उनकी जो इनकम होगी वो हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगी। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। आपने कोई सपोज कीजिए ITC का शेयर आपने आज परचेज किया और उसे एक महीने के बाद आपने सेल किया, उसके बाद दोबारा से आपने इंफोसिस का शेयर परचेज किया और उसे आपने दो महीने के बाद सेल किया। सो ये वो केसेस होंगे जिस केस में आपने पहले शेयर्स की डिलीवरी ली और उसके बाद उसे सेल किया, तो इस केस में आपके हैंड में कुछ एसेट आई है, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स पहले ट्रांसफर हुए हैं उसके बाद ही आपने उन शेयर्स को बेचा है, तो ऐसे केसेस की इनकम या तो कैपिटल गेन के हेड में जाएगी या बिजनेस इनकम के हेड में जाएगी। इसको कैसे पता लगाएंगे कि कैपिटल गेन में कौन सी इनकम डालनी है और बिजनेस इनकम में कौन सी इनकम डालनी है? देखिए, अगर आपने शेयर्स की सेल परचेज की है और आप उस बिजनेस में ही लगे हुए हैं, इट मींस आपकी इंटेंशन है कि आप उस शेयर्स की सेल परचेज से ही इनकम कमाना चाहते हैं, तो ऐसे शेयर्स की सेल परचेज को आप बिजनेस इनकम दिखाएंगे, नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने शेयर्स की सेल परचेज इसलिए की है, वैसे तो आप शेयर्स की सेल परचेज करने से पहले उससे डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम चाहते हैं कि आपको आ जाए, तो अगर आपकी इंटेंशन लॉन्ग टर्म की है, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि उससे आप कुछ उस एसेट से आप कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस को हम उन शेयर्स की सेल परचेज को कैपिटल गेन के परव्यू में लेके आते हैं। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है कि डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें कैपिटल गेन में लेना चाहिए या बिजनेस इनकम में लेना चाहिए, जिसकी डिस्कशन हम किसी और दिन किसी वीडियो में करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन होती है एफ एंड ओ की ट्रेडिंग की। मींस अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील किया है, ये ट्रांजेक्शन भी इंट्राडे की तरह विदाउट डिलीवरी की ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें आपको ना तो फ्यूचर्स में और ना ऑप्शन में अंडरलाइंग एसेट की कोई भी डिलीवरी नहीं मिलती है। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को हेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने फ्यूचर एंड ऑप्शन को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से निकाल के नॉर्मल बिजनेस इनकम में क्लासिफाई करने को बोला है। तो अगर हम तीनों ट्रांजेक्शन को देखते हैं
इंट्राडे ट्रेडिंग में डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं मिलती है और वो कहलाती है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट होती है डिलीवरी ऑफ शेयर्स के साथ, उसे या तो हम बिजनेस इनकम बोलते हैं या कैपिटल गेन की इनकम बोलते हैं एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस। और एफ एंड ओ ट्रेडिंग में भी हमें डिलीवरी नहीं मिलती है क्योंकि इसे हेजिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट एफ एंड ओ ट्रेडिंग को नॉर्मल बिजनेस इनकम कह के चलती है। अब जिस पर्सन की बाकी बिजनेस इनकम है उस पर्सन की ये बिजनेस इनकम भी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों की टर्नओवर को मैच करके ये देख सकते हैं कि हमें इस पे टैक्स ऑडिट लगाना है नहीं लगाना, हमें इसे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में दिखाना है या नहीं दिखाना। दिक्कत तब आती है जब एक सैलरीड इंडिविजुअल जो कंप्लीट ईयर मेहनत करता है अपनी एम्प्लॉयमेंट पे, साथ साथ कुछ एडिशनल गेन कमाने के लिए वो सोचता है कि मैं इंट्राडे की ट्रेडिंग कर लेता हूं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कर लेता हूं या कुछ शेयर्स की सेल परचेज कर लूंगा टाइम टू टाइम जिसके बेसिस पे मुझे कुछ एडिशनल इनकम आ जाए। ऐसे केसेस के अंदर वो लोग कुछ कंप्लायंसेस बर्डन में फंस जाते हैं। सैलरी इनकम तो है ही है, उस पर तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही करनी है, लेकिन जो लोग ज्यादा एफ एंड ओ और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी डील करते हैं उन पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है। वही चीज डिस्कस करने के लिए आज हम जुड़े हैं कि एक सैलरीड इंडिविजुअल को टैक्स ऑडिट की कंप्लायंस से कैसे बचना है या फिर वो कितना भी दम लगा ले टैक्स ऑडिट की कंप्लायंस से नहीं बच पाएगा और उसे अपनी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। सो नाउ द इश्यू अराइजेस दैट इफ अ नॉर्मल सैलरीड क्लास पर्सन फॉर सम गेन्स ट्रेडिंग इन एफ एंड ओ, इंट्राडे और डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स, वेदर द सेम विल बी कंसीडर्ड एज सैलरी एंड बिजनेस इनकम। अगर आपने एफ एंड ओ के अंदर ट्रेडिंग की है, इंट्राडे में ट्रेडिंग की है, सो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी के साथ साथ कुछ बिजनेस इनकम भी आ रही है, आपको दोनों पे ही टैक्स देना है। तो इस केस में आप ये नहीं कर सकते कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ सैलरी की इनकम दिखाएं बाकी इनकम दिखाएं ना। मैंने बहुत सारे इंप्लॉइज को या बहुत सारे कंसल्टेंट्स को ऐसे कहता हुआ देखा है कि क्योंकि आपको एफ एंड ओ में इंट्राडे में लॉस हुआ है तो आप उसे रिपोर्ट ही मत कीजिए, आप सिर्फ आईटीआर 1 में अपनी इनकम को ही रिपोर्ट कीजिए जो आपकी सैलरी की इनकम है। आपको पता है अब 26 एएस की जगह ले ली है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ने, अब आपके जितने स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी शेयर्स की ट्रेडिंग की बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इट मींस अगर आप कोई भी इनकम जो AIS के अंदर आ रही है उसे आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके पास रिटर्न के डिफेक्टिव होने का या असेसी इन डिफॉल्ट का नोटिस आ सकता है। सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है अब कि एफ एंड ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या डिलीवरी ऑफ शेयर्स में चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे पक्का पक्का दिखाना है। सो व्हेनेवर बिजनेस इनकम विल कम इनटू कंसीडरेशन, जब भी बिजनेस इनकम कंसीडरेशन में आएगी तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस केस में हमें टैक्स ऑडिट करानी है या नहीं करानी। हां आईटीआर 1 में हम बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते, बिजनेस इनकम अगर किसी इंडिविजुअल को दिखानी है तो या तो वो आईटीआर 3 में दिखाएगा या आईटीआर 4 में दिखाएगा। इट मींस द मोमेंट उसके पास एफ एंड ओ ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की या डिलीवरी ऑफ शेयर्स की इनकम आएगी जो कि बिजनेस इनकम है वो आईटीआर 1 से आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में तो शिफ्ट हो ही जाएगा। तो पहली बात कंप्लीट हो गई अपनी कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न 1 नहीं भरनी है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर 3 या 4 भरना है। अब देखना है टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी और कब हम टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं, तो उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स लॉ में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। सो आप मेरे पीछे प्रेजेंटेशन में यह चीज देख सकते हैं कि टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो टैक्स पेयर्स जिनकी टोटल इनकम सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक की है और एक वो टैक्स पेयर्स जिनकी ओवरऑल टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन असेसिस की, जिन टैक्स पेयर्स की टोटल इनकम 2.5 लाख तक है उन्हें अपनी टैक्स ऑडिट कब करानी होती है। देखिए गवर्नमेंट ने वैसे तो टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ रखी हुई है, लेकिन अगर आपकी कैश में ट्रांजैक्शंस, टोटल ट्रांजेक्शन इन कैश मींस आप कोई पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं, आपको कोई पर्सनल इनकम आती है कैश के अंदर, अगर आपकी टोटल ट्रांजेक्शन का कैश में जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ 5% तक ही है तो गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि आप एक्सटेंडेड टर्नओवर लिमिट ले सकते हैं टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो है 10 करोड़ रुपए की। इसका मतलब अगर आपकी टोटल कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा है आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन से उस केस में तो आप पे टैक्स ऑडिट लगेगी अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। और अगर आपकी टोटल कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है टोटल ट्रांजैक्शंस के, सो उस केस के अंदर आप पे
कॉर्पोरेट टैक्स ऑडिट तब लगेगी जब आप 10 करोड़ की लिमिट को सरपास करेंगे टर्नओवर के केस में। सो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर किसी एसएससी की ओवरऑल इनकम 2.5 लाख रुपए तक ही है, इट मींस उसकी टोटल इनकम ही 2.5 लाख रुपए तक है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम कमा रहा है, सो अगर उसकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट तब लगेगी जब टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगी, और अगर उसकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से कम है सो उस केस में उस पर टैक्स ऑडिट तब लगेगी जब उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगी, इट मींस 10 करोड़ से कम पे कोई भी टैक्स ऑडिट नहीं, या फिर अगर कैश ट्रांजेक्शन आपकी 5% से ज्यादा है उस केस में 2 करोड़ से कम पे तो कोई टैक्स ऑडिट नहीं, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा पे मैंडेटरी टैक्स ऑडिट है। ये तो उन टैक्स पेयर्स के लिए बात है जिनकी टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक है, लेकिन हमारा मेन पॉइंट किस चीज के अंदर आता है, जब किसी असेसी की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है। आप नॉर्मली देखते हैं F&O में, इंट्राडे में वही लोग ट्रेड करते हैं जिनकी इनकम टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है, उन्हें कुछ एडिशनल इनकम कमाने के लिए उसमें डील करना पड़ता है। सो अगर ओवरऑल इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपको फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या आपकी कैश में ट्रांजैक्शंस 5% से ज्यादा हैं ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस। अगर आपको दिखता है कि 5% से ज्यादा हैं तो उस केस में आप पे 2 करोड़ की लिमिट लगेगी जैसा हमने बात की थी। तो अगर आपकी ओवरऑल इनकम टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और आपकी कैश की ट्रांजेक्शन भी टोटल ट्रांजेक्शन के 5% से ज्यादा है, ऐसे केस में 2 करोड़ की लिमिट है आपकी टैक्स ऑडिट की, कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होती है ऐसे केस में आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी बेसिस पे करानी पड़ती है। तो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी बेसिस पे करानी पड़ेगी। लेकिन यहां पे एक अलग कैच पॉइंट भी है उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। देखिए, जिनकी ओवरऑल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और जिनकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा है, ऐसे असेसिस की अगर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम भी है तो भी उन पे टैक्स ऑडिट लगेगी अगर वो अपनी इनकम 6% ऑफ टर्नओवर से कम शो करते हैं। इट मींस आपको 6% का अपना नेट प्रॉफिट रेशियो दिखाना पड़ेगा बिजनेस से, चाहे आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम ही क्यों नहीं है। तो ऐसे असेसेस जिनकी ओवरऑल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा है, 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पे तो पक्का टैक्स ऑडिट है, लेकिन 2 करोड़ से कम की टर्नओवर पे टैक्स ऑडिट तभी लगेगी अगर हम 6% से कम प्रॉफिट दिखाएंगे। 6% से कम प्रॉफिट में लॉस के केसेस भी आ गए और ऐसे केसेस भी आ गए जिस केस में हम एक्चुअली में 6% से कम का प्रॉफिट दिखाते हैं। सेकंड केस क्या हो गया, अगर मेरी ओवरऑल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन मेरी कैश ट्रांजैक्शंस सिर्फ 5% तक है, तो उस केस में हम टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए 3 सिनेरियो चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट सिनेरियो, क्या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरी बेसिस पे टैक्स ऑडिट होगी। नंबर टू सिनेरियो, क्या आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है उस केस में आप पे टैक्स ऑडिट की कोई कंप्लायंस नहीं आएगी, ना ही आपको 6% से कम प्रॉफिट शो करने पे टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। और थर्ड सिनेरियो, जिस केस में आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, सो ऐसे केसेस में आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 6% शो होना चाहिए, अगर आप 6% से कम प्रॉफिट शो करते हैं तो ऐसे केसेस में आप पे मैंडेटरी बेसिस पे टैक्स ऑडिट होती है। सो दोस्तों, आपको यहां से ये पता लग गया होगा कि आपके केस में टैक्स ऑडिट कब लगती है या कब नहीं लगती। अब इस टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को हम रिलेट कर देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से एंड F&O ट्रेडिंग से। सो हमें अब देखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में और F&O ट्रेडिंग में हम टर्नओवर किसे बोलेंगे। एक्चुअली में हमने टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी की जहां भी बात की है तो हमने बात की है टर्नओवर की, कि 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है या 10 करोड़ से ज्यादा की है। इसलिए हमें F&O एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में यह पता होना चाहिए कि टर्नओवर हम बोलेंगे किसको। सो ICAI का जो टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट है तो वो बोलता है कि एक्चुअली में आप कितने का कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप कितना मार्जिन पे कर रहे हैं या ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम आपकी टर्नओवर डिसाइड नहीं करेंगे। F&O के केस में भी और इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी आपकी टर्नओवर होगी
कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसका टोटल। मान लीजिए आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट पे 50 लाख रुपए का लॉस हुआ और सेकंड एफएंडओ के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, सो आपका नेट लॉस तो हुआ 30 लाख रुपए का, लेकिन आपकी टर्नओवर गिनी जाएगी 50 लाख प्लस 20 लाख। इट मींस नेगेटिव को माइनस नहीं करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को प्लस करके हमने टर्नओवर देखनी है। सो आपको यह समझ आ गया होगा कि एफएंडओ ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में हम जो टर्नओवर निकालते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ के निकालते हैं। सो द बिजनेस टर्नओवर इन केस ऑफ एफएंडओ ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग इज कंसीडर्ड एज सम ऑफ पॉजिटिव सेटलमेंट्स, दैट इज पॉजिटिव्स मींस प्रॉफिट्स, एंड नेगेटिव सेटलमेंट्स दैट इज लॉसेस, एंड ऑन सच बेसिस इट इज कंसीडर्ड दैट वेदर वी शुड गो फॉर टैक्स ऑडिट और नॉट। इन केस ऑफ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में तो सेल वैल्यू को ही टर्नओवर माना जाएगा क्योंकि उस केस में तो एक्चुअल में एसेट आपके पास आई है उसके बाद आपने उसको बेचा है। सो एफएंडओ इंट्राडे के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस देखेंगे और उसका टोटल करके आप अपनी टर्नओवर निकालेंगे। आप जिस भी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपनी डीलिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, वो स्टॉक ब्रोकर आपको टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट नोट तो देता ही है, साथ साथ आपको ईयरली बेसिस पे आपकी टर्नओवर और प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट बेस पे देता है कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की। सो वहां से आप रेडिली अवेलेबल कर सकते हैं, आपको रेडिली अवेलेबल होगी आपकी इंफॉर्मेशन टर्नओवर की एंड प्रॉफिट एंड लॉस की। इन सब केसेस को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल वाइज। मुझे पता है लो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उन लोगों के लिए जो लेमैन की तरह ये समझना चाहते हैं कि सैलरी के साथ अगर उन्होंने एफएंडओ की ट्रेडिंग की है तो उस केस के अंदर टैक्स ऑडिट उन पे लगेगी या नहीं लगेगी। सो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन एग्जांपल्स के अंदर हम पहली चीज ये डीम कर रहे हैं कि आपकी जो टोटल कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो 5% से ज्यादा ही हैं, क्योंकि देखिए 5% की कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हमें सिर्फ अगर बिजनेस की ही ट्रांजैक्शंस देखनी होती तो उस केस में तो हमें ये चीज पता ही है कि एफएंडओ की कंप्लीट ट्रेडिंग बैंकिंग चैनल से ही होती है, क्योंकि हमें यहां पे टोटल कैश ट्रांजैक्शंस देखनी है, मींस रिसीट्स 5% से ज्यादा ना हो टोटल रिसीट्स की और पेमेंट्स 5% से ज्यादा ना हो टोटल पेमेंट्स की। तो वहां पे हम पर्सनल एक्सपेंसेस को भी साथ जोड़ सकते हैं, तो किसी भी पर्सन के लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि मेरी टोटल ट्रांजैक्शंस क्या 5% से कम हैं या 5% से ज्यादा हैं इन केसेस के अंदर। इसीलिए हम यहां पे डीम कर रहे हैं कि आपकी कैश ट्रांजैक्शंस 5% से ज्यादा ही हैं, उसी बेसिस पे इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको क्लेरिफाई किया गया है। एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर रवि इज हैविंग सैलरी इनकम ऑफ ₹20 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। मिस्टर रवि की 20 लाख रुपीज की सैलरी इनकम है 21-22 की, इसके साथ साथ उसने एफएंडओ में डील किया है और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स में डील किया है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अंडर हुए हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में उनको ₹10,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो अगर हम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं सो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख का लॉस, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख का लॉस, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट में 1,50,000 का लॉस और फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट में 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो आप सब लोग अभी तक की डिस्कशन से ये बता सकते हैं कि एफएंडओ ट्रेडिंग की हमारी टर्नओवर कितनी होगी। टर्नओवर के लिए आप ये भूल जाइए कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, आपको टोटल टर्नओवर जो देखनी है वो इन अमाउंट्स को जोड़ के देखनी है। तो इन अमाउंट्स को जब आप टोटल करेंगे तो आपका जो टर्नओवर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11,10,000 रुपीज। सो 11,10,000 रुपीज का आपका टर्नओवर है, इट मींस आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। हम पहले वाले चार्ट पे आ जाते हैं अपने। हमने बोला ओवरऑल इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है। आप देखिए 20 लाख से ज्यादा की आपकी सैलरी है तो आपकी ओवरऑल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। आपकी कैश ट्रांजैक्शंस हमने पहले ही डीम की हैं कि वो 5% से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन है। आपकी टर्नओवर आपने देख ली है कि 11,10,000 रुपए की है, इट मींस 2 करोड़ से कम है। सो इस केस में आपको 6% से कम का प्रॉफिट शो करने पर टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। सो अब आपको यह देखना है कि आपको इन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो अगर आप इसको नेट करके देखते हैं तो आपको इस केस में 5,90,000 रुपए का लॉस हुआ है। इट मींस हमारी टर्नओवर है 11,10,000 रुपए की, हमारा लॉस है 5,90,000 का, तो आपको 5,90,000 का लॉस हुआ है। सो आप देखिए 2 करोड़ से कम की टर्नओवर पे आप 6% से कम का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। सो ऐसे केसेस में आपको अपनी ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। अब आप ये समझिए, क्या आप इस केस में कुछ स्मॉल अमाउंट का टैक्स पे करके क्या आप टैक्स
ऑडिट की कंप्लायंस से बच सकते हैं? जी हां, गवर्नमेंट हमें ऑप्शन देती है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप चाहें तो अपना 6% का प्रॉफिट दिखा दीजिए, इवन इफ आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। मींस इस केस में भी मैं 11,10,000 की टर्नओवर का 6% यानी कि 66,600 रुपीज का प्रॉफिट अगर मैं दिखा दूं, लॉस को मैं अगर भूल जाऊं तो 66,600 रुपीज के इक्विवेलेंट का टैक्स पे करके मैं टैक्स ऑडिट की कंप्लायंस से बच सकता हूं। सो आप देखिए, सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर रवि इज टैक्सेबल बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोविजन, जैसे आप सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। टर्नओवर इन केस ऑफ F&O ट्रेडिंग बिजनेस इनकम इज सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनकम्स। इन दिस केस द टर्नओवर इज 11,10,000 रुपीज एंड लॉस इज 5,90,000 रुपीज। सो मिस्टर रवि के पास यहां पे 2 ऑप्शन है, अगर आपका केस है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज आप अपनी ITR-4, जिसे हम सुगम फॉर्म कहते हैं, आप अपनी ITR-4 फाइल कीजिए जिसमें आप अपनी 20 लाख की सैलरी की इनकम दिखाइए एंड F&O ट्रेडिंग से आप अपनी 66,600 की इनकम दिखाइए। भले ही आपको एक्चुअल में लॉस है लेकिन आप टैक्स ऑडिट की कंप्लायंस बचने के लिए अपनी इनकम को 6% शो कर रहे हैं। आप 66,600 रुपीस की अपनी ट्रेडिंग इनकम दिखाइए, उस पे टैक्स पे कीजिए और टैक्स ऑडिट को काटा मार दीजिए कि हम टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे। आपके पास ऑप्शन 2 है कि आप अपनी ITR-3 फाइल कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सैलरी इनकम दिखाएंगे 20 लाख रुपीस की एंड F&O ट्रेडिंग का लॉस दिखाएंगे 5,90,000 का और आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इस केस में कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन आएगी कि क्या हम 20 लाख की इनकम में से 5,90,000 का लॉस माइनस करके 14,10,000 पे टैक्स दे दें? तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऐसा अलाउड नहीं है। F&O ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम है, तो जो बिजनेस का लॉस होता है वो सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। इस केस में भी आपको 20 लाख रुपए पे अपना टैक्स देना ही पड़ेगा। हां, 5,90,000 रुपए के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक और आने वाले सालों में अगर आपको गेन होता है सो उस केस में आप इससे उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो आप चाहें तो टैक्स ऑडिट करवाएं, चाहें तो स्मॉल अमाउंट का टैक्स देके अपनी टैक्स ऑडिट से बच जाएं और ITR-3 की जगह आप अपनी ITR-4 फाइल कराएं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर रवि इज हैविंग सैलरी इनकम ऑफ 4,50,000 रुपीज। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अब उनकी इनकम है 4.5 लाख रुपए की और F&O ट्रेडिंग से उनका जो टर्नओवर है वो है 2 लाख रुपए का और लॉस है 15,000 रुपए का। दोबारा से देखिए, जो हमारी इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा की है, हमारी कैश ट्रांजेक्शन हम पहले ही डीम कर चुके हैं कि 5% से ज्यादा की है, टर्नओवर हमारा 2 लाख का है मींस 2 करोड़ से कम है। सो इस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपना लॉस दिखा के टैक्स ऑडिट करा लें या फिर ITR-4 फाइल करें और 6% 2 लाख के अगेंस्ट में 6% का प्रॉफिट शो कर दें। तो देखते हैं, सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर रवि इज टैक्सेबल बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोविजंस। 2 ऑप्शंस आर देयर। नंबर 1, फाइल ITR-4 जिसमें आप 4.5 लाख की अपनी सैलरी इनकम दिखाएंगे और 2 लाख रुपए पे आप डीम करेंगे कि आपने 6% कमाया है, इट मींस 12,000 रुपीज आपकी टोटल इनकम होगी इस केस में 4,62,000 रुपए। तो आप खुद बचाइए, 4,62,000 की अगर आपकी इनकम है तो आप पे कुछ टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं आएगी इस केस में, तो क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 87A का रिबेट लेके आप पे कुछ भी टैक्सेबल इनकम नहीं आएगी इस केस में जिसपे आपको टैक्स देना पड़े। सो इस केस में आपके लिए 100% बेनिफिशियल ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें आप 12,000 रुपए का प्रॉफिट अपनी F&O के अगेंस्ट में दिखा दीजिए और 4.5 लाख रुपए की सैलरी मतलब 4,62,000 रुपए अपनी ITR फाइल कीजिए। सेकंड ऑप्शन आपके पास यह है कि आप ITR-3 फाइल कीजिए 4.5 लाख के साथ, साथ साथ आप अपनी टर्नओवर पे अगर लॉस दिखाते हैं तो आपको CA से टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी और इस लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक और फ्यूचर के गेंस के अगेंस्ट में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर रवि इज हैविंग सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 85 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। द टर्नओवर फ्रॉम F&O ट्रेडिंग इन हिज केस इज रुपीज 2.5 करोड़ एंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 लाख। तो इस केस में 2.5 लाख से ज्यादा की हमारी ओवरऑल इनकम है और 5% से ज्यादा की कैश ट्रांजेक्शन हमने डीम की हैं। इस केस में हमारी टर्नओवर 2 करोड़ से कम नहीं है, हमारी टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है।
क्योंकि हमने 5% से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन डीम की हैं, इसलिए हम 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के जो टर्नओवर की लिमिट है उसका बेनिफिट हम नहीं ले सकते, क्योंकि 10 करोड़ की लिमिट उन पे एप्लीकेबल होती है जिनकी कैश ट्रांजैक्शंस 5% से कम है। सो हमारे केस में कैश ट्रांजैक्शंस 5% से ज्यादा की है, इसलिए 2 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर मैंडेटरी बेसिस पे टैक्स ऑडिट होगी। सो सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर रवि इज टैक्सेबल बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोविजंस सिंस द टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ रुपीज, टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी। सो ही नीड्स टू फाइल ITR 3 बाय शोइंग सैलरी इनकम ऑफ ₹85 लाख एंड F&O ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 15 लाख एंड गेट टैक्स ऑडिट कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। मींस 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर, इट मींस 2 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट और लॉसेस का सम टोटल अगर आपका आता है तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर रवि की सैलरी इनकम है 2,40,000 रुपीज की, उनका इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर है और उनका लॉस है 50,000 रुपीज का। सो आपकी जो टोटल इनकम है इस केस में वो 2.5 लाख रुपए से कम की है। हमने डीम किया है कि हम 5% से ज्यादा की कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सो ऐसे केसेस में अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से कम भी होता है तो भी हमें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे असेसी हैं, हमारी टोटल इनकम ही 2.5 लाख से कम की है। तो मिस्टर रवि की सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोविजन, जो कि 0 होगा क्योंकि 2,40,000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स थोड़ी लेगी। सिंस द नेट इनकम इन केस ऑफ मिस्टर रवि इन दिस केस इज 2,40,000 रुपीज एज द लॉस ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी, और इंट्राडे का लॉस तो वैसे भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। जैसे कि नॉर्मल बिजनेस लॉस के केस में हमारे पास 8 साल का टाइम पीरियड होता है, ऐसे ही स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस के केस में हमारे पास 4 इयर्स का टाइम पीरियड होता है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव टैक्स ऑडिट कंडक्टेड, द लॉस फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन नेक्स्ट 4 इयर्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। क्वेश्चन नंबर 5, आपके सभी डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए हैं, 2.5 लाख से कम की इनकम वाले के लिए भी, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम वाले के लिए भी और 5 लाख से ज्यादा की इनकम वाले के लिए भी। मिस्टर रवि इज हैविंग सैलरी इनकम ऑफ ₹55 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22, F&O ट्रेडिंग में उनको 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और प्रॉफिट है उनका 20 लाख रुपीज का। तो आप बताइए, 2.5 लाख से ज्यादा की ओवरऑल इनकम है, 5% से ज्यादा की हमने कैश ट्रांजैक्शंस को डीम किया है और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम की है। सो 2 करोड़ से कम की टर्नओवर के केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम 6% प्रॉफिट शो कर सकते हैं। यहां पे आपको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे 20 लाख का प्रॉफिट, यानी कि 13% का प्रॉफिट हुआ है, 13.33% का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में क्या आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी? द आंसर इज नो, आपको कोई भी टैक्स ऑडिट यहां नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी इनकम 6% से ज्यादा ही शो कर रहे हैं। लेकिन कैच पॉइंट देखने का यहां पे क्या है, आप इस केस में चाहें तो अपना टोटल प्रॉफिट शो ना करके सिर्फ उतने प्रॉफिट पे ही टैक्स दे सकते हैं जो कि 6% के इक्विवेलेंट में बनता है। इट मींस मुझे 20 लाख रुपए पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैं चाहूं तो 9 लाख रुपए पे ही सिर्फ टैक्स दे दूं और अपनी ITR 4 फाइल कर दूं। सो सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर रवि taxable based on normal provisions. So Mr. Ravi has 2 options. Number 1, file ITR 4 by showing salary income of ₹55 lakh and F&O trading income of ₹20 lakh and pay tax on the same. आप अपनी 55 लाख रुपए का salary income दिखाइए, 20 लाख रुपए की F&O trading income दिखाइए और उस पर टैक्स दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, आप ITR 4 ही फाइल कीजिए। देखिए, टैक्स ऑडिट के परव्यू से आप बाहर हैं 2 करोड़ से कम की टर्नओवर पे अगर आप 6% से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो इस केस में अगर आप चाहें ऑप्शन नंबर 2 में, तो आप अपनी सैलरी इनकम दिखाइए 55 लाख रुपए की और साथ साथ F&O ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिखाइए 9 लाख रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए पे 6%। चाहे आपको प्रॉफिट 20 लाख का ही क्यों नहीं हुआ है, लेकिन आप चाहें तो अपना टैक्स 9 लाख पे ही दे सकते हैं और अपना टैक्सेस पे करके आप अपनी ITR 4 को क्लोज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल होता है, आपको ये बताने का कि F&O ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के केस में आप पे टैक्स ऑडिट कब कब एप्लीकेबल होगी और कब कब एप्लीकेबल नहीं होगी। होप इन 5 एग्जांपल्स के बाद आपकी ये सब कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RGR प्रोफेशनल।